जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 31 अगस्त 2021 का करंट अफेयर, जिसका पहला प्रश्न है, 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, आखिर ये लड्डू वितरण योजना है क्या? दोस्तों, जितनी भी दोस्तों गर्भवती महिला हैं, उन सभी गर्भवती महिला को दोस्तों पौष्टिक 15 लड्डू प्रति महीना दिए जाएगा। और दोस्तों, यह आखिर दोस्तों ये लड्डू वितरण योजना दोस्तों क्यों शुरू की गई है? ताकि दोस्तों कुपोषण को दोस्तों समाप्त दोस्तों कुपोषण जो है दोस्तों कुपोषण जो है दोस्तों उसको दोस्तों समाप्त करने की दोस्तों यह योजना शुरू की गई है। दोस्तों, इसको शुरू किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, और दोस्तों इसको शुरू किया है दोस्तों उन्होंने गांधीनगर से। तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के रूप में बहुउद्देशीय बंदरगाह कौन सा है? तो यह है नागरहोल बंदरगाह। गुजरात के मोटेरा स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक मूवमेंट कहाँ शुरू किया है? यह शुरू किया गया है गुजरात में। किस राज्य से कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा गुजरात से। अगला प्रश्न है, कौन सा उच्च न्यायालय सभी अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है? तो यह है गुजरात हाईकोर्ट। और ई लोक अदालत को लागू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट है छत्तीसगढ़। यूनेस्को में शामिल भारत की 40वां धरोहर कौन सा है? तो 40वां धरोहर है धोलावीरा। धोलावीरा का स्थानीय नाम है कोटडा टिब्बा। और यह किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? यह है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है, 19 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ये फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है, यह भारत के खेल मंत्री ने लॉन्च किया है, जो कि भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। और इसका संबंध फिट इंडिया मोबाइल ऐप का संबंध फिट इंडिया मूवमेंट से है, जिसकी 29 अगस्त को 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल 19 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था, और 19 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है, यह इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि फिटनेस की जांच करने के लिए दोस्तों यह लागू लॉन्च किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ है गुवाहाटी असम में। और इसके फोर्थ संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो इसके फोर्थ संस्करण का आयोजन होगा पंचकुला हरियाणा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? यह होगा कर्नाटक में। और पहला हुआ था भुवनेश्वर में। बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है, चर्चा में रहा ईडा क्या है?
दोस्तों आपको बता दूं, ईडा जो है यह एक हरिकेन तूफान है। हरिकेन तूफान क्या होता है? हरिकेन तूफान होता है पृथ्वी का सबसे विनाशकारी तूफान। इसकी इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इनकी उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। और यह किस देश से टकराया है? यह टकराया है यूएसए से। और यह और इन्हीं हरिकेन तूफान को अलग अलग जगहों पे जाना जाता है, जैसे कि जापान में इन्हें साइक्लोन कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं विली विली। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि यास चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो यास चक्रवात का नामकरण जो है यह किया था ओमान ने। तोकाते चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो तोकाते चक्रवात का नामकरण किया है म्यांमार में, म्यांमार ने। और तोकाते का अर्थ क्या होता है? तोकाते का अर्थ होता है आवाज करने वाली छिपकली। अगला प्रश्न है, चक्रवात के केंद्र बिंदु में निम्न वायुदाब होता है या उच्च वायुदाब? तो चक्रवात के केंद्र बिंदु में जो है निम्न वायुदाब होता है, और एंटी साइक्लोन के केंद्र बिंदु में उच्च वायुदाब होता है। निसर्ग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो निसर्ग चक्रवात का नामकरण किया है बांग्लादेश ने। और गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो गुलाब चक्रवात का नामकरण किया है पाकिस्तान ने। गुलाब चक्रवात का नामकरण किया है पाकिस्तान ने। बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। और ये जो है दुनिया के सबसे ऊंची दोस्तों मूवी थिएटर ये लद्दाख में दोस्तों उद्घाटन किया गया है। और दुनिया का सबसे ऊंचा जो दोस्तों मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर जो है यह भी लद्दाख में ही है। अभी हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई 2021 को कहा एक केंद्र विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है? तो यह दी है लेह लद्दाख में। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि तसोकर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में, जो कि 42nd रामसर साइट है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया गया। और किस दर्रे पे किया गया? तो यह किया गया है उमलिंगला दर्रे पे। और यह कितनी ऊंची है? तो यह कम से कम 19,300 फीट लंबी है। और यह वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल पास है। और किस प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। और इसे बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। हमारे आज का पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस महीने को पोषण माह मनाने की घोषणा की है? तो यह की है सितंबर 2021 को। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। हमारा आज का छठवां प्रश्न है, 27 अगस्त 2021 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर लॉन्च किया है, इसे विकसित किया है, तो इसे विकसित किया है IIT रुड़की, CDAC, IIS बेंगलुरु, इन सभी ने इसे विकसित किया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी IIT रुड़की, CDAC और IISc बेंगलुरु, इन तीनों ने मिलकर इसे विकसित किया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि पेगासस क्या है, तो पेगासस एक, तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये एक स्पाई वेयर है। दोस्तों किस देश ने सिमोर नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है ईरान ने। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, विजय भटकर। बढ़ते हैं हमारे आज के सातवें प्रश्न की तरफ, जो कि है 28 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को माई पेड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है, तो यह किया है त्रिपुरा में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि क्या कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजरती है, तो इसका उत्तर है, तो दोस्तों हाँ कर्क रेखा जो है त्रिपुरा से गुजरती है। बांग्लादेश के तीनों ओर से कौन घिरा है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। पढ़ते हैं हमारे आज के आठवें प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सिडबी बैंक का मुख्यालय स्थित है दोस्तों लखनऊ के अंदर, सिडबी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और, जैसे कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। दोस्तों आज का हमारा नौवां प्रश्न है, कौन सा राज्य 100% व्यस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो यह बन चुका है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य में हर एक को, मतलब दोस्तों 100% व्यस्क आबादी को दोस्तों पहली डोज दे दी है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि भारत का पहला 100% व्यस्क आबादी के टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह है लद्दाख। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों लद्दाख ने दोस्तों 100% अपनी व्यस्क आबादी में दोस्तों 100% व्यस्क आबादी को दोस्तों अपना पहला डोज जैसे टीकाकरण दोस्तों दे दिया है। और दोस्तों 100% LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, 30 अगस्त 2021 को पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, तो यह बनी है अवनी लेखारा। इसके साथ दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।